नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे, आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम करता हूं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न 5 किया था, आज हम लोग अभ्यास प्रश्न 6 करेंगे। अभ्यास प्रश्न 6 के अंतर्गत हम लोग जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके अलावा DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इस सॉल्व करने के दरमियान यह सीखेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो है एलिमिनेशन मेथड, या किस तरीके से एक एक स्टेटमेंट पता हो तो उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये सारे चीज़ें हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन यह जो है UPPCS 1998 में पूछा गया है और क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में, अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। तो भारत में आपको मूल अधिकारों के संदर्भ में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं और उस पर आपको क्या करना है, विचार करना है, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, के विरुद्ध गारंटी है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट पे आएंगे, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह संविधान के भाग तीन में सूचीबद्ध है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट, और आपको जो है सही उत्तर चुनना है, सही कूट का आपको क्या करना है, पहचान करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें अगर आप आएंगे तो ए ऑप्शन दिया है 1 तथा 2 सही, बी ऑप्शन दिया है 2 तथा 3 सही, सी ऑप्शन दिया है 1, 2 तथा 3 सही, 1, 2 तथा 3 सही, और डी ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 सही, 2, 3, 4 सही। ये 4 ऑप्शन क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, और आपसे सही उत्तर की पहचान करना चाह रहा है। तो सही उत्तर की पहचान करना चाह रहा है तो आइए देखते हैं सही उत्तर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह राज्य कृत्य के विरुद्ध क्या है, गारंटी है। तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है, यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी देता है। कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट या राज्य कोई कार्य करता है और उस कार्य से किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो ऐसे संदर्भ में व्यक्ति जो है राज्य के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो यह जो है क्या है, गारंटी के रूप में है, किसके विरुद्ध, राज्य के कार्यों के विरुद्ध में। तो इस प्रकार स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है।
स्टेटमेंट टू, यह संविधान के भाग तीन में सूचीबद्ध है। यह भी सही है कि फंडामेंटल राइट्स को जो है संविधान के भाग तीन में सूचीबद्ध किया गया है या भाग तीन में रखा गया है। स्टेटमेंट थ्री कह रहा है यह सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो यह अगर आप न्याय पे आएंगे तो यह सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय तो सुनिश्चित करते हैं पर आर्थिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते। आर्थिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते तो आर्थिक न्याय आपको कहाँ मिलेगा? DPSP में मिलेगा। तो यह सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, आर्थिक नहीं करते। तो इस प्रकार तीन नंबर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो तीन नंबर स्टेटमेंट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा सही है। एक और दो स्टेटमेंट सही है तो बी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि एक दो दिया नहीं है। सी ऑप्शन एक दो तीन सही है, हो सकता है। डी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि दो तीन चार सही लिख रहा है। बचा आपके पास ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। ए ऑप्शन में दिया है एक दो सही है और सी ऑप्शन में एक दो तीन सही है। तो तीन नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यह भी ऑप्शन से हट गया। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बचा ए। तो ए क्या हो जाएगा? एक और दो सही है और चौथा जो है क्या है? ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। यह कह रहा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है नहीं, स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। तो इस प्रकार यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। एक और दो क्या है? सही है। बाकी तीन और चार नंबर स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर दो, और यह क्वेश्चन IAS 2005 में पूछा गया है। IAS 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है, जिसमें स्टेटमेंट वन दिया गया है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। अधिकार से क्या है? संबद्ध है। दो नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दो नंबर स्टेटमेंट कह रहा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है। तीन नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीन नंबर स्टेटमेंट कह रहा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन से अंतःस्थापित किया गया। तो इस प्रकार ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही कथन का क्या करना है? पहचान करना है।
सही कथन या सही ऑप्शन का पहचान करना है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है केवल दो, बी ऑप्शन दिया गया है दो और तीन, सी ऑप्शन दिया गया है एक और तीन, और डी ऑप्शन दिया गया है एक दो और तीन, एक दो और तीन। ये इस प्रकार से ऑप्शन क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। तो अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 300 इसके स्थान पे अगर 300 होता या 300A होता तो वह संपत्ति के अधिकार से क्या था, संबंधित था। तो इस प्रकार स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट टू पे आते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, स्टेटमेंट सही है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, यह भी सही है। तो 1978 से पहले, 1978 से पहले अगर आप आएंगे तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार था, और उसे आर्टिकल 31 में या अनुच्छेद 31 में क्या किया गया था, रखा गया था। परंतु 1978 के बाद 44वां अमेंडमेंट किया गया, 44वां अमेंडमेंट किया गया या 44 संशोधन किया गया 1978 में, और संपत्ति का अधिकार जो एक मूल अधिकार था उसको मूल अधिकार के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया और उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बनाने के बाद इसे कौन से आर्टिकल में रखा गया, तो 300 में रखा गया, और पार्ट कौन सा है, तो भाग 12 में इसे क्या कर दिया गया, रख दिया गया। उसके अलावा आप आएंगे तो दो नंबर स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तीन नंबर स्टेटमेंट में आते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 उस समय केंद्र में केंद्र कांग्रेस सरकार, तो उस समय कांग्रेस सरकार केंद्र में नहीं थी, उस समय केंद्र में क्या था, जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी सरकार थी, और जनता पार्टी की सरकार में पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई क्या थे, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और उस गैर कांग्रेसी सरकार या जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 में या पार्ट 12 में रख दिया गया। तो इस प्रकार यह कांग्रेस सरकार के स्थान पर जनता पार्टी सरकार होना चाहिए, तो यह स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक और तीन आपका स्टेटमेंट गलत है, दो स्टेटमेंट सही है, तो केवल दो, ए ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, केवल दो ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये
क्वेश्चन नंबर 3 और यह क्वेश्चन 1999 में पूछा गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। क्वेश्चन आसान है, वन लाइनर टाइप का है। आइए देखते हैं आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 15, सी ऑप्शन आर्टिकल 16 और डी ऑप्शन आर्टिकल 17। ये चार ऑप्शन क्या किए गए हैं, दिए गए हैं और यह कह रहा है कि कौन से जो है पूर्ण रूप से अधिकारों पर क्या करते हैं, निम्न कौन से विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अगर आप आएंगे तो 15, 16, 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कहता है, तो यह होगा नहीं। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बात किया गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में क्या किया गया है, अपॉर्चुनिटी के लेवल पे इक्वलिटी का बात किया गया है। 15 में आएंगे तो ये कहा गया है कि यहाँ पे किसी भी पब्लिक प्लेस पर धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जबकि आर्टिकल 14 आएंगे तो यह इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, कानून के नज़र में हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार की बात की गई है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, आर्टिकल 14 जो है यह विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण क्या करता है, लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और यह जो है लोअर 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, लिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। ए ऑप्शन कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी ऑप्शन, अगस्त प्रस्ताव
1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, मूल अधिकार शामिल किए थे। चौथा ऑप्शन क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ये चार स्टेटमेंट क्या किए गए हैं आपको दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है, तो कौन सा एक कथन सही है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो यह बात एकदम सही है कि नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया था, समर्थन किया था। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा कि नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों को शामिल किए जाने के लिए समर्थन किया गया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जो 2010 में UPPCS में पूछा गया है, गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही है, में से कौन एक नहीं है, कह रहा है कौन एक नहीं है, नहीं ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है, गलत ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन पे आते हैं, क्या कह रहा है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, जनता क्या हो, सर्वोच्च हो। बी ऑप्शन, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। सी ऑप्शन, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। और डी ऑप्शन कह रहा है एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इस प्रकार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और कह रहा है कि कौन सा एक नहीं है।
तो ये पूछ रहा है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन सा एक नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, तो गणतंत्रीय व्यवस्था जो होता है, रिपब्लिकन सिस्टम जो होता है, वहाँ पे जनता क्या होता है, सर्वोच्च होता है। तो आइए अभी इस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं कि शामिल किया जाए या नहीं शामिल किया जाए। बी ऑप्शन, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, तो निर्वाचित प्रधान जो है, यहाँ निर्वाचित प्रधान का संबंध किससे है, तो यहाँ राष्ट्रपति से, राष्ट्राध्यक्ष से जो है निर्वाचित प्रधान का संबंध है। सी ऑप्शन, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो यह स्टेटमेंट थोड़ा क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है और यह कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक या जो है राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर लेके जा रहा है। तो अगर गणतंत्रीय अवधारणा होगा तो गणतंत्रीय अवधारणा में जो है वहाँ पे सर्वोच्च शक्ति किसी एक राजा में निहित नहीं होगा, वहाँ पे जो है सर्वोच्च शक्ति किस में होगी, जनता में होगी, और वह जनता क्या करेगा, एक प्रतिनिधि को क्या करेगा, चुनेगा, और वह प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो भारत में अगर आप आएंगे तो जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें पब्लिक या जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोटिंग करते हैं। तो इस प्रकार सी नंबर स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है और यह क्वेश्चन जो है पूछा गया आपसे 2015 में, 2015 मेंस एग्ज़ाम में UPPCS के पूछा गया, कह रहा है, क्वेश्चन आसान है लेकिन पूछा गया है, तो आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, अधिकारों में से नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन दिया है, समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी। बी ऑप्शन दिया है, विरोध का अधिकार। सी ऑप्शन दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और डी ऑप्शन दिया है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 4 ऑप्शन क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, 6 मूल अधिकारों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इस प्रकार आइए देखते हैं, परीक्षण करते हैं कि कौन सा मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार आइए देखते हैं, तो समानता का अधिकार अगर आप आएंगे तो समानता का अधिकार जो है वह मूल अधिकार है, और इसके लिए आर्टिकल है 14 से लेकर 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है।
सी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन। उसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आप आएंगे तो इसके लिए आर्टिकल 25 से 28 तक बताया गया है। तो ये भी मूल अधिकार है, ये भी मूल अधिकार है, ये भी मूल अधिकार है, पर विरोध करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यह छह मूल अधिकारों में से नहीं है। समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। उसके अलावा अगर आप आएंगे रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये छह प्रकार के मूल अधिकार हैं जो भारतीय संविधान में अधिकारों के रूप में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक क्वेश्चन और फंडामेंटल राइट का कर लेते हैं, फिर हम लोग डीपीएसपी पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन आपसे मेंस एग्जाम 2015 में यूपी पीसीएस के पूछा गया है और कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट कह रहा है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। बी ऑप्शन कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। सी ऑप्शन कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, और इसके लिए अनुच्छेद 32 दिया गया है। और नेक्स्ट है डी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किसका अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, और यह लिख रहा है अनुच्छेद 31। आइए देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में, यह बात सही है कि अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का बात किया गया है। उसके अलावा बी ऑप्शन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, यह भी सही है, मैच कर रहा है, और कह रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा, आपसे पूछ रहा है। सी ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, यह भी मैच कर रहा है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को
डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा इसे क्या कहा गया है, इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा भी कहते हैं, संविधान का हृदय एवं आत्मा। तो संविधान का हृदय एवं आत्मा के नाम से किसे जानते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यह 31 में नहीं है, यह आएंगे तो आपको 30 में क्या होगा मिलेगा। तो इस प्रकार यह मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित बातें यह जो है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट के अंतर्गत है, और एजुकेशनल और कल्चरल राइट कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30। तो इस प्रकार अनुच्छेद 31 ये मैच नहीं कर रहा है, तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आसान है लेकिन पूछा गया है, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है। कह रहा है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये चार ऑप्शन क्या किए गए हैं, आपसे दिए गए हैं, और पूछ रहा है कि किसको जो है संशोधन करने का अधिकार है। तो सबसे पहली बात, संशोधन करने का अधिकार मूल अधिकार में जो है किसके पास है, संसद के पास है। पार्लियामेंट जो है मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकता है, तो संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो किसके पास अधिकार है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। उसके अलावा ये संशोधन करने का अधिकार कौन से केस में दिया गया, तो संशोधन करने का अधिकार केस था केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। तो केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के केस में 1973 में जो है क्या दिया गया, यह कहा गया कि संसद फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकता है, सिर्फ कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, मूलभूत संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर ये कहा जाए कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, तो मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को कहा जाता है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मूल अधिकारों को सुरक्षित करता है, सिक्योर करता है, और जबकि 226 के अंतर्गत 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट क्या करता है, मूल अधिकारों को सुरक्षित करता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, सिर्फ कंडीशन यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और यह बात कब बताई गई, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग फंडामेंटल राइट्स का कथन और कारण का पढ़ लेते हैं, कथन और कारण के क्वेश्चन। तो कथन और कारण के क्वेश्चन में अगर आप आएंगे तो कथन और कारण का क्वेश्चन जो है एक कर लिया जाए, और कैसे कथन और कारण का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसको देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, आइए देखते हैं कथन। कथन ए क्या कह रहा है? कथन ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, इसकी आत्मा कहा था। अब आइए देखते हैं कारण क्या कह रहा है। कारण आर, रीजन क्या कह रहा है? रीजन दे रहा है कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के अतिक्रमण के विरुद्ध, अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है, प्रभावी उपचार प्रदान करता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कथन और कारण दोनों दिया गया है, और कथन और कारण दोनों दिया गया है, और इसमें चार ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए, कथन ए, ए और आर, ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण है, या ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन, ए और ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन, ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रकार ये स्टेटमेंट क्या किया गया है, दिया गया है। कथन और कारण का यही चार ऑप्शन होता है, चार ऑप्शन के अलावा कोई और पांचवा ऑप्शन चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आइए देखते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, या कथन और कारण का व्याख्या सही तरीके से किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या इस पे परीक्षण किया जाए। तो कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। तो स्टेटमेंट सही है कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसको बी आर अम्बेडकर ने उसको संविधान की आत्मा के रूप में संबोधित किया है। और कारण कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है। आइए देखते हैं कथन और कारण सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है। अगर कथन पहले पढ़ते हैं तो कारण को पढ़ने के लिए क्योंकि, और कारण अगर पढ़ते हैं तो कथन को पढ़ने के लिए इसलिए। तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रभावी उपचार प्रदान करता है,
इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32 को डांटकर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। तो अगर पहले कारण पढ़ रहे हैं तो कथन को पढ़ने के लिए इसलिए से जोड़िए, और कथन पहले पढ़ रहे हैं और कारण को जोड़ने के लिए क्योंकि क्या करिए जोड़िए, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है और ये एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। तो कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार का, इसके बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है और यह जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का आधार है। ए ऑप्शन है वैधिक प्रक्रिया, बी ऑप्शन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी ऑप्शन दृष्टांत और अभिसमय, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है, और आधार यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होगा सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी। और फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में जुडिशियल रिव्यू के बारे में आर्टिकल 13 में बताया गया है, अनुच्छेद 13 में यह बात बताई गई है कि कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा कि जो फंडामेंटल राइट्स को न्यूनतम करता हो या उसको वायलेट करता हो। तो अगर ऐसा रूल बनेगा तो जुडिशियली सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसका रिव्यू करेगा और वह उस कानून को, वह रूल को वहाँ तक क्या करेगा, शून्य घोषित कर देगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स से संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे उसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। तो फंडामेंटल राइट्स से जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट्स को कौन से पार्ट में रखा गया है, तो पार्ट 3 में रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स कितने नंबर आप फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 1978 से पहले अगर आप जाएंगे तो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, और 1978 के बाद जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार हो गए। 7 प्रकार के मूल अधिकारों में 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। उसके अलावा आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था और संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा इसे लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 32 में रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार ये 7 अधिकार थे और आर्टिकल 31 में जो पहले संपत्ति का अधिकार था उसको 44वां अमेंडमेंट 1978 के द्वारा लीगल राइट बना दिया गया। तो इस प्रकार 1978 के बाद
मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई, तो 6 हो गई, और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर इसे पार्ट 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। तो ये सारी बातें हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कशन के दरमियान फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ है, ये टॉपिक बचा हुआ है, और संवैधानिक विकास का इतिहास, ये टॉपिक, उसके अलावा NCR नेशनल कैपिटल रीजन, और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे आगे के लेक्चर में करेंगे, और DPSP से संबंधित क्वेश्चन को भी और फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।